नए बच्चों, आज की क्लास में जो है और भी मज़ेदार ट्रिक हम लोग सीखेंगे। आज की हेडिंग क्या है? एक ट्रिक में 54 फॉर्मूले। सोचिए ट्रिग्नोमेट्री के आपको एक ट्रिक में 54 फॉर्मूले आ जाएंगे। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? एक ट्रिक में 14 फॉर्मूले बनाना सीखा था। अब क्या हेडिंग? एक ट्रिक में 54 फॉर्मूले। इसको देखिए कैसे। तो पहले वो ट्रिक जानते हैं क्या है। वो ट्रिक कैसी ट्रिक से देखिए, इतनी सारी फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अगर मैं कहूँ तो काफ़ी फॉर्मूले हैं। अगर टोटल अगर मैं जोड़ दूँ 12 तक के अगर फॉर्मूले अगर बात किया जाए तो 200-250 फॉर्मूले केवल ट्रिग्नोमेट्री में है। ठीक, कैसे आप याद रखेंगे ये सब ट्रिक्स का यूज़ अगर आप करें तो आपकी जो है याद आसानी से आपको वैल्यू तो रहेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो भी फॉर्मूले रहेंगे। देखिए बच्चों क्या है, ये फॉर्मूला पहले जानिए है क्या। जैसे आपने पढ़ा होगा 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये सब यूज़ आता है ट्रिग्नोमेट्री में। इसको हम लोग कहते हैं क्या, कम्प्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल निकालना, तो नाम से आपको उतना मतलब नहीं है। आप देखिए ट्रिक क्या है, क्योंकि क्लास जो है ट्रिक की चल रही है। ध्यान दीजिए, पहली ट्रिक आपकी क्या है, ध्यान देखिए इसमें कि चेंजिंग, उसमें होता क्या है, चेंजिंग करना होता है। अभी मैं सिखाऊंगा यहाँ पे, ये सब चीज़ें बनी हुई हैं इसमें, ज्योमेट्री का यूज़ होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो क्या करेंगे आप इसमें, पहली ट्रिक देखिए क्या आपकी है इसमें, क्या याद रखेंगे इसमें कि 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री और 270 डिग्री, 90 डिग्री और 270 डिग्री वाले में, अभी इसको समझाऊंगा मैं क्या है ये ट्रिक, 90 डिग्री और 270 डिग्री वाले में चेंजिंग करते हैं। ठीक है, बात समझा आपने? अभी अप्लाई करके दिखाएगा ट्रिक कैसे है। तो 90 डिग्री और 270 डिग्री, ध्यान रखिएगा 90 डिग्री वाली बात और 270 डिग्री वाली बात में चेंजिंग होता है। ठीक है, क्या चेंजिंग होता है अभी आगे देखेंगे। लेकिन दूसरी बात जानिए क्या है, दूसरी नहीं इसी की बात है ये, बट 180 डिग्री और दूसरा आपका क्या होता है 360 डिग्री वाले में नो चेंजिंग करते हैं, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो ये आपका क्या है 180 और 360 वाला, इसमें नो चेंजिंग, बस आपको इस तरीके से याद रखना। अब बात आई, यहाँ तो चेंजिंग कुछ नहीं करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ चेंजिंग करना है। अब इस चेंजिंग को जानिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, तो साइड में आप लिख लेंगे क्या, यहाँ पे चलिए यहीं, यहाँ मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, इधर इसको नोट में करके लिख लीजिएगा, चेंजिंग रूल। हेडिंग क्या रहेगी आपकी इसमें, चेंजिंग रूल क्या है, आपको चेंजिंग करना है तो चेंजिंग रूल क्या है। देखिए इसमें होता क्या है, वो देखिए कि साइन को जब आपको चेंज करना होगा तो किस में चेंज करेंगे, कॉस में। ये एरो मैंने दोनों साइड लगाया, इसका मतलब समझ जाइए साइन कॉस में चेंज होगा, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, चेंजिंग रूल है ये। छोटी छोटी बात जाननी है आपको ट्रिक के लिए। फिर दूसरा देखिए क्या है इसमें, टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, तो कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। और तीसरी बात आपकी क्या है, कॉसेक, कॉसेक को किस में हम लोग चेंज करते हैं, सेक में, तो सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में। ये पिछले फॉर्मूले नहीं था, रखिएगा ये चेंजिंग रूल है, क्या याद रखेंगे आप इसको, चेंजिंग रूल, कि साइन किस में चेंज करते हैं, कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट चेंज टेन में, कॉसेक चेंज करेंगे सेक बनेगा, सेक चेंज करेंगे कॉसेक बनेगा। ठीक है, चेंजिंग आपको कहाँ पड़ेगा, केवल 90 और 270 वाले में, दो में पड़ेगा, दो में नहीं पड़ेगा। देखिए इसको, तो 90 देखिए यही है, कैसे याद रखेंगे देखिए जानते, 90 वाला क्या है, चेंजिंग, तो 90 का उल्टा क्या आ रहा है, 270 आ रहा है अपोजिट में, तो यहाँ पे भी लिख देंगे चेंजिंग, चेंजिंग ये लिख रहा है ना। इन दोनों में क्या था आपका, नो चेंजिंग, इधर भी आपका क्या हो जाएगा, नो चेंजिंग ये सीखा आपने। तो देखिए पहला रूल आपने जान गया, दूसरा आपका जो रूल है, दूसरा ट्रिक आपका जो है वो क्या है, वो समझिए ध्यान से, इसमें ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दो ट्रिक आपको लगानी है इस रूल, क्योंकि आपको फॉर्मूले भी बहुत जल्दी लिखना है, 54 फॉर्मूले हैं, सोचिए इसमें। ठीक है, देखिए इसमें दूसरा आपका क्या हो जाएगा, वो समझिए, दूसरा ट्रिक क्या हो जाएगा, ऑल शुड टेक
कॉफ़ी, ये एक ट्रिक है, इसको समझिए। इसमें देखिए, इसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जिसका यूज़ है, ट्रिक में ये सेंटेंस बना दिया गया है याद रखने के लिए, ए यस और ये क्या आपका टी और ये क्या है सी, इन्हीं का यूज़ है, ठीक है, इसी बात का यूज़ है। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, ये को पॉजिटिव, को पॉजिटिव रखो, बात समझा आपने, इनको क्या रखना है आपको, पॉजिटिव रखना है, किसको किसको, ए वा ए मीन्स ऑल, यहाँ पे भी ये समझेंगे इसको, और यस क्या है, टी क्या है और यहाँ पे सी क्या है, इसको इस ट्रिक को हम लोग जो है इसमें देखेंगे, डायग्राम में देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे समझिए ध्यान से। चलिए देखिए इसमें, अब देखिए अब बात आती है यहाँ पे इस सेटअप में क्या होता है। देखिए अभी मैं इसका बड़ा सेटअप बनाऊंगा जब फॉर्मूला लिखूंगा, अभी पहले कुछ बातें समझिए ध्यान से, क्या आपको जानना है। देखिए क्या आपको करना था समझिए, यहाँ पे मेन क्वेश्चन, अब ये सेक्शन क्वाड्रेंट आप जानते हैं क्या होता है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये आप जानते होंगे, क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा, क्लास नाइन का तो सिक्स सेवन से बच्चा जानता है, क्वाड्रेंट इसको हम लोग कहते हैं, पॉइंट्स जिस क्वाड्रेंट में, कभी कभी आपसे क्वाड्रेंट में पूछा जाता है, ध्यान दीजिए। तो क्या बात आएगी यहाँ पे, ये समझिए ध्यान से, देखिए इस सेक्शन को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्या लिखते हैं, ये समझिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग क्या कहते हैं, 90 माइनस थीटा, क्या कहेंगे, 90 माइनस थीटा हो गया, कैसे 90 माइनस थीटा, ये जीरो है, 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम, इसको हम लोग तब क्या कहेंगे, 90 प्लस थीटा कहेंगे, मतलब 90 से बड़ा, ठीक है। और ये थीटा ध्यान रखिएगा बच्चों, थीटा जो है ये कभी भी जो है 90 डिग्री से बड़ा नहीं होता, यहाँ जो ये वैल्यू आएगी हमेशा 90 से कम वाली आती है या 90 आती है, ठीक है, इसको हम लोग एक्यूट एंगल भी कह सकते हैं, वेयर थीटा इज एक्यूट एंगल, इसका जो आप क्वेश्चन देखेंगे तो समझेंगे इसको, अभी फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं। और देखिए बच्चों, तो ये सेक्शन क्या होगा, 90 प्लस थीटा हो गया, इसको हम और भी कुछ लिख सकते हैं, 180 माइनस में, मतलब हर सेक्शन को हम लोग प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में भी लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, कैसे 180 से कम, बात समझा आपने, इसको देखिए इस पर आइए, इसको हम लोग क्या कहेंगे, तुम 180 प्लस थीटा, जीरो नहीं है, थीटा है ना कहेगा, ठीक है, माइनस मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा हो गया। अब इधर आइए, अगर यहाँ बात करूँ मैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 270 प्लस थीटा, माइनस में तब क्या लिखेंगे, 360 लिखेंगे, 360 माइनस थीटा हो गया। देखिए पूरा चलता कैसे, जीरो से शुरू हुआ 90, फिर 180, फिर क्या आ जाएगा 270 और फिर जाके चिपक गया लाइन, तो क्या हो गया आपका 360, कंप्लीट एंगल क्या होता है आपका 360 होता है, ठीक है। ये कैसे रोटेट किया, ये पूरा आपका जो है ऐसे ही सर्किल चला, जाके यहाँ फिर से चिपक गया, हो गया। और देखिए बच्चों, अभी यहाँ तो एक खाली जगह, तो ये देख लीजिए क्या है, ये यहाँ क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 360 प्लस थीटा भी लिख सकते हैं, माइनस में तो आपने लिख ही दिया, इसको प्लस में क्या लिखेंगे, 360 प्लस थीटा हो गया। तो ये आपका कंप्लीट ये बात आ गई, इसमें चारों जगह हो गया, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस हो गया। अब देखिए यही मैं बात कर रहा था इसमें, कि 90 और 270 वाले में चेंजिंग करना है, जहाँ भी ये बात आएगी, तो 90 वाला ये आपके पास है, ये आपके पास है 90 वाला और ये आपके पास है 90 वाला, 270 वाला कहाँ आपके पास है, ये है और आपके पास ये है, तो 90 और 270 में चेंजिंग करना है और बाकी जो बचे हुए उसमें चेंजिंग नहीं करना है। और चेंजिंग अगर करना है तो कैसे, साइन कॉस में चेंज होता है, टेन आपका कॉट में चेंज होता है और कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में, सेक कॉसेक में, अपोजिट भी काम करेगा वो। चलिए ये आपने इतनी बात जाना, और जानिए बात इसमें क्या है, तो ये हो गया इतनी बातें चीज़ें। अब देखिए पहला ट्रिक तो आपने नोट कर लिया, इसमें पहला ट्रिक की बात इसमें आपने समझ लिया, कहाँ चेंजिंग आएगी कहाँ नहीं आएगी। अभी पहले ट्रिक समझिए, ट्रिक समझाइए आपको, क्योंकि बड़ी ट्रिक है, ट्रिक थोड़ा सा बड़ी है तभी आप 54 फॉर्मूले लिख पाएंगे ना, ये हो गया। नहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, आसानी से आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा जो बच्चा नया जान रहा होगा, पहली बार सब देख रहा होगा सब चीज़ें, उसको थोड़ा सा दिक्कत होंगी। पहला ट्रिक आपका क्या था, कि 90 टू 270 वाले में चेंजिंग करना है, 180 और 360 वाले में चेंजिंग नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए ट्रिक, ये भी ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये ट्रिक किस लिए आपको, साइन लगाता है, देखिए पॉजिटिव 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 मतलब क्या होता, प्लस साइन बनाना है आपको। देखिए इसमें अब इस ट्रिक को समझिए क्या है, यहाँ देखिए ऑल ऑल आपको बोला गया ना, ऑल, तो ऑल मतलब क्या, ऑल पॉजिटिव,
ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब आपने क्या क्या पढ़ा इसमें, साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक्स कॉट, मतलब सारे जितने भी आपने पढ़े हैं छः हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये सारे पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, इसमें देखिए ऑल के बाद आपने क्या पढ़ा था, फिर ऑल शुड, ये क्या आपके पास है शुड, लाइन से लिखिएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऑल शुड, ठीक है ऑल शुड, ऑल शुड, फिर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये टेक टेक, और फिर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे कॉफ़ी। ये सेंटेंस एक आपका क्या है कि सभी को कॉफ़ी पीनी चाहिए, क्यों पीनी चाहिए, क्योंकि पीनी चाहिए तो पीनी चाहिए, पीनी चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छी होती है वो, ठीक है, कॉफ़ी हेल्थ के लिए अच्छी है, माइंड के लिए भी अच्छी होती है, ठीक है धन्यजी। तो ऑल पॉजिटिव, ऑल शुड टेक कॉफ़ी, ये तो आपने समझ लिया, यहाँ सारे पॉजिटिव रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं ये पॉजिटिव होता है, यहाँ समझिए जानते हैं इसमें बात, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसमें मेन आपको बात, ये ऑल, ये यस, और यहाँ पर क्या आपका टी, और यहाँ पर क्या है सी, अब इसको समझिएगा, यहाँ सारा क्या हो जाएगा ऑल पॉजिटिव, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यस किस लिए बोला गया है, इस यस से क्या बात है ये समझिएगा, इस यस से क्या बात है, आपके आपका अगर कहा जाए तो यस मतलब होता क्या है साइन, ओके यस से साइन होता है ना, साइन पॉजिटिव, ये मतलब ये हो गया आपका कि साइन जो आपका होगा वो पॉजिटिव होगा, बाकी तब क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, अभी दिखाऊंगा फॉर्मूले में साइन। यहाँ देखिए इसमें टी से क्या होता है आपको टेन, टी से क्या होता है टेन, ठीक है, तो इसका मतलब कि टेन पॉजिटिव। फिर देखिए सी, ये हो गया साइन हो गया टेन हो गया, बचा क्या आपके पास कॉस, तो इसमें हो गया कॉस, सी से कॉस, सी से कॉसेक भी होता है, लेकिन देखिए मैंने बोला आपको ट्रिग्नोमेट्री में कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन कॉस टेन इसी से सारा काम होता है आपका, बाकी उसका अभी देखिए कैसे लिखाएगा। अब देखिए इसमें तो यस फॉर साइन हो गया, टी से क्या हो गया टेन हो गया, और सी से क्या हो गया कॉस हो गया। और देखिए इसमें देखिए अब दूसरी बात क्या है इसमें, अभी इसको इसके पहले मैंने आपको वीडियो में पढ़ा है इनवर्स रिलेशन कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, तो कॉसेक भी लिख देंगे यहाँ पे, समझा आपने, ऐसे लिखना इसको, साइन का उल्टा क्या कॉसेक, तो ये बताइए जब साइन पॉजिटिव होगा अगर तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, बात समझा आपने, क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव, या सेंटेंस मैंने लिख रहा हूँ मैं साइन लगा दे रहा हूँ प्लस का प्लस, ठीक है, तो साइन कॉसेक क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो देखो कॉसेक नहीं कॉसेक अपने आप उल्टा कर दीजिएगा आप इसको, तो इसी तरीके से टेन की बात अगर हम कर रहे हैं तो टेन का उल्टा क्या हो जाता है कॉट, ठीक है, तो ये भी सब क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, हो गया। फिर देखिए इसमें ये क्या आपका कॉस, तो कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, ये सब क्या हो जाएंगे आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, समझा आपने, तो ट्रिक आपने समझा, ट्रिक क्या है, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है ट्रिक, लेकिन आप देखिए अब मैं आपको ओल्डली बता रहा हूँ, सिंपल थी आपको बात क्या देखनी है इसमें, पहला ट्रिक आपका क्या था कि आपको इसमें जो भी चीज़ें हैं क्या कि 90 और 270 वाले में चेंजिंग करना है, चेंजिंग कैसे करना है इस तरीके से, ठीक है, ये रूल है चेंजिंग रूल लिख लीजिएगा इसको साफ साफ। और दूसरी बात क्या थी इसमें, 90 टू 70 में चेंजिंग करना होता है और 80 और 360 में चेंजिंग नहीं करना होता है, हो गया ये, तो 80 और 360 कोई दिक्कत ही नहीं है, इतना याद रखिए कि 90 और 270 में आपको चेंजिंग करना होता है, बाकी जो बचा हुआ उसमें चेंजिंग नहीं करेंगे आप। और दूसरा ट्रिक आपका क्या है इसमें कि ऑल शुड टेक कॉफ़ी, ये ट्रिक क्या थी, ये साइन लगाने के लिए होता है, ऑल मतलब ऑल पॉजिटिव, शुड मतलब यस आ रहा है, यस फॉर क्या होता है साइन, ठीक, तो साइन पॉजिटिव पहले बस ये लिखिएगा, इससे भी इस पर मत जाइएगा, अभी जैसे मैं बताया उस तरीके से दिमाग में रखिएगा, दोनों लिखेंगे कन्फ्यूज हो जाएंगे, फिर साइन, फिर टेक, ऑल शुड टेक कॉफ़ी, लाइन से लिखिएगा ऑल शुड टेक कॉफ़ी, क्वाड्रेंट के हिसाब से लिखाता है, यस फॉर साइन हो गया, टी फॉर क्या होता है टेन, और सी फॉर क्या होता है कॉस, साइन कॉस टेन, इन्हीं का बस इस्तेमाल करना आपको। अब बात अगर मैं उल्टा की बात करूँ तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, वो भी आ जाएगा इसमें, ये भाई उसका साइन का छोटा भाई क्या होता है कॉसेक, टेन का क्या होता है कॉट, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, हो गया। ये सारे जितने भी आपको बताए गए हैं ये सारे पॉजिटिव होंगे, और इनको छोड़ के जो बचे हुए रहेंगे वो क्या हो जाएंगे नेगेटिव, इन तीनों में, समझा आपने ट्रिक क्या है। इस ट्रिक को अब इसके बाद अब फॉर्मूला में लिखूंगा, 54 फॉर्मूले हैं, तो ये ट्रिक नोट करिए, फिर मैं इसको 54 फॉर्मूले आपको लिख कर दिखाता हूँ ट्रिक से कैसे लिखा जाता है, नोट करिए। आइए बच्चों देखते हैं कैसे आप 54 फॉर्मूले कैसे लिखेंगे, इसके पहले आपने सारा देख लिया कैसे कैसे आपको ट्रिक पढ़ना है, ट्रिक दिमाग में आपने बैठा लिया, तब देखिए फॉर्मूला कैसे बनाना है आपको। देखिए पहले इसमें बात करते हैं, ये आपकी एक एक्सिस बनाई गई है एक्स एक्सिस, और ये क्या आपकी वाई एक्सिस, ये आपने सब सीख लिया कि ये 0 360, ये 90, वो ये 180 और ये 270, ठीक है, कंप्लीट ऐसे बनता है।
अब देखे जाते हैं इसमें, ये सब भी अभी मैंने बता दिया कि इसमें क्या आता है, 90 माइनस थीटा कहाँ आएगा, 90 प्लस थीटा कहाँ आएगा, सब मैंने ट्रिक बता दिया है। फॉर्मूला देखिए अब कैसे करना है। पहला आपका क्या था इसमें ट्रिक कि चेंजिंग कहाँ करना है, पहले ये पता कर लीजिए। तो देखिए 90 वाले में और 270 वाले में चेंजिंग होता है। 90 वाला ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, इसमें चेंजिंग होगा, और 270 वाला आपको ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, इसमें चेंजिंग होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, मैं टिक कर रहा हूँ किस में चेंजिंग करेंगे आप, वहाँ टिक कर दीजिए। 90 वाले में चेंजिंग होगा और 270 वाले में चेंजिंग होगा। अब बाकी में क्या होगा, चेंजिंग नहीं करेंगे आप, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे करेंगे वो समझिए ध्यान से। पहले पहले हमेशा साइन की बात करिएगा, और साइन कैसे था आपका इसमें, ऑल शुड टेक कॉफ़ी था ये। देखिए ऑल यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाले में ऑल पॉजिटिव होगा, कैसे ध्यान दीजिए इसमें, तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ साइन लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑल पॉजिटिव है। दिक्कत यहाँ से आएगी सेकेंड थर्ड फोर्थ में, फर्स्ट में सारा पॉजिटिव होगा जितने भी हैं। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसमें, तो 90 वाले में चेंजिंग करते हैं, साइन किस में चेंज होगा, देखिए लिखने का तरीका सीख लीजिए कैसे लिखाएगा ये, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। ठीक है, कॉस किस में चेंज होगा, तब साइन में। अभी मैं थीटा नहीं लगा रहा हूँ, पहले समझ लीजिए यहाँ पे। ठीक, थीटा क्या, थीटा तो ऑलरेडी लग जाएगा, थीटा तो ऑलरेडी है वो तो। टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, तो कॉट किस में चेंज होगा, टेन में, लिखने का तरीका सीखिए। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, हो गया चेंजिंग रूल था ये। टेन किस में चेंज होगा, कॉट में, तो कॉट किस में चेंज होगा आपका, टेन में, ये लाइन से लिखिएगा आप, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, सबसे स्टार्टिंग ट्रिक में आपको बताया गया था ये। कॉस एक किस में चेंज होता है आपका, सेक में, तो सेक किस में चेंज होगा आपका, कॉस एक में, और थीटा लगा दिए सब जगह, थीटा नहीं पढ़ा था, थीटा बोलने की जरूरत नहीं होती है, बात समझे, यहाँ बोलते हैं यहाँ जरूरी होता है। ठीक, तो कॉट 90 माइनस थीटा, 10 थीटा, ऐसे आपको नहीं कभी याद रखना है, तरीका सीखा आपने कैसे, 90 वाला तो चेंज करना है, कॉट किस में चेंज होता है, 10 में, हो गया लिख गया, थीटा रहेगा, थीटा आएगी वैल्यू, ठीक आपने। 360 वाले में क्या बोला गया आपको, नो चेंजिंग, चेंजिंग केवल किस में करनी है, 90 में और 270 में, बस इतना याद रखिएगा, यहाँ कोई चेंजिंग नहीं करें, देखिए कितना आसान था ये, इसको सीधे से बदल देंगे, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉसेक का कॉसेक, यहाँ क्योंकि चेंजिंग करनी ही नहीं है, चेंजिंग जहाँ करनी है वहाँ चेंज करेंगे, जहाँ नहीं करनी है वहाँ नहीं करेंगे, आसान सा है, देखिए कितना आसानी से आप 54 फॉर्म में लिखेंगे अभी, हो गया ये। फिर देखिए इसमें इधर की बात आती है हमारी, इसकी अगर बात करें आप, देखिए यहीं से दिक्कत शुरू होगी सारी, कुछ बात थोड़ा समझिए बच्चों। देखिए क्लास 9 टेंथ वाले बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, एनसीईआरटी बेसिस मतलब यूपीसीबीएसई वाले बच्चे, एसएससी की बात भी मैं कर ले रहा हूँ, तो 9 टेंथ में जो आपका है इसमें, और 9 टेंथ के लिए, 9 टेंथ वालों के लिए इस 54 फॉर्मूले में से केवल इनका यूज़ है, ये वाले पार्ट का, ठीक है आपने, केवल ये फॉर्मूले आपको यूज़ करना है, ये जो है इसके आगे यूज़ जो भी मैंने लिखा हुआ है ये सारा आपको जो है 11 से यूज़ आएगा। पहले जो है यूपी बोर्ड में जब वो यूपी बोर्ड का सिलेबस जब अलग हुआ करता था तो ये सारे फॉर्मूले यूपी बोर्ड में होते थे, यूज़ होते थे, ठीक है, क्लास टेंथ में यूज़ होते थे, 9 टेंथ दोनों में, लेकिन जब से ये एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हुआ है, ठीक, तो आपको जो है केवल जो है ये सेक्शन आपको यूज़ पड़ेगा, बात समझा आपने, 90 माइनस थीटा वाला, बाकी कोई यूज़ नहीं पड़ेगा, ठीक है, 9 टेंथ वालों के लिए, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं और बाकी 11 12 जो भी आए हैं वो सारा यूज़ पड़ेंगे, तो ठीक है, तो ये कंप्लीट आपको पूरा सिलेबस हो जाएगा आपका, ये टॉपिक्स रिलेटेड जो भी फॉर्मूले आएंगे आप हमेशा इसको अटेम्प्ट कर लेंगे आसानी से, कभी भी आपको दूसरा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा इससे रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेटेड टॉपिक कुछ आपको याद नहीं करनी पड़ेगी। ये आपने बनाना सीखा, इसमें देखिएगा क्या हो जाएगा, इसमें देखिए फिर मैंने क्या बताया, 90 वाले में चेंजिंग होगा तो चेंजिंग कर लीजिए, साइन किस में चेंज होगा, एक बात और देखिए, यहाँ तो ऑल पॉजिटिव था, यहाँ क्या था आपका, ऑल पॉजिटिव, चलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि लिखूंगा ज़्यादा तो दिक्कत होगी, ट्रिक मैंने ट्रिक में सभी सब लिख दिया, बता दिया था आपको, देखिए ध्यान देखें यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इसमें साइन की बात करते हैं पहले, तो ऑल शुड, यहाँ क्या था, शुड आया था, शुड मतलब क्या, यस, यस से क्या होता साइन, तो साइन पॉजिटिव हो गया आपका, साइन पॉजिटिव हो गया, और कौन सा पॉजिटिव होगा इसमें, साइन पॉजिटिव, अब साइन का दूसरा भाई क्या है, कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, उसको बस पॉजिटिव लीजिए, हो गया, बाकी सब नेगेटिव होगा, उसी तरीके से यहाँ भी लिख दीजिए, ये भी हो जाएगा आपका, ये भी हो जाएगा, समझा आपने, वो ट्रिक क्या है, तो दो ट्रिक आपको लगानी है, एक तो चेंजिंग के लिए आपको लगानी है ट्रिक, और दूसरी ट्रिक आपकी क्या है, साइन की, हमेशा याद रखिएगा पहले साइन लगाया जाता है, पहले साइन का काम कर लीजिएगा, साइन समझा आपने कैसे है, क्या था यहाँ पे, शुड, ऑल यहाँ तो ऑल पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ क्या था, शुड, शुड का यस आ रहा है, यस, यस मतलब साइन, साइन पॉजिटिव, और साइन पॉजिटिव है तो साइन का छोटा भाई भी पॉजिटिव होगा, साइन का छोटा भाई क्या होता है, कॉसेक, उल्टा, और बाकी सब क्या पुट कर देंगे आप, नेगेटिव, पहले देखिए मैं साइन रख दे रहा हूँ तो उसके बाद लिखूंगा, बाकी सब क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो गया,
ठीक है, अब पुट कर दीजिए। बाकी देखिए दूसरा रूल लगाइए, दूसरा ट्रिक क्या था आपका, चेंजिंग। तो यहाँ चेंजिंग करनी है, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, कॉस किस में चेंज हो जाएगा तब आपका, साइन में। टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, तो कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में। कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में, सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉसेक में। हो गया, चेंजिंग रूल आपको बस याद रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। थीटा लगा दी सब जगह, हो गया, देखिए आसानी से लिख गया। इधर आ जाइए, यहाँ नो चेंजिंग, कोई चेंजिंग करनी ही नहीं है। चेंजिंग किस में था, 90 वाले में, 90 वाले में चेंजिंग कर दिया आपने। यहाँ देखिए वही उतार देना आपको, इसमें कोई चेंजिंग का रूल ही नहीं लगाना है। इसमें जैसा है वैसा उतार दीजिए, हो गया। तो ये सारा आपने देख लिया, अब इस पर आता हूँ मैं, देखिए अंत इसमें, यहाँ फिर से इसमें चेंजिंग तो होगा नहीं, जब नहीं चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन साइन की बात तो आएगी, पहले वैसा साइन की बात करिएगा। ऑल शुड, यहाँ क्या था, टेक, टेक मतलब टी, टी फॉर क्या होता है, टेन, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब टेन पॉजिटिव है तो टेन का छोटा भाई कौन है, कॉट है, उसको ही पॉजिटिव बना दीजिए, ठीक। छोटा भाई मतलब जो इनवर्स आपने पढ़ा, उल्टा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो बाकी सब क्या हो जाएगा आपका इसमें, माइनस हो जाएगा, बाकी सब आपका क्या हो जाएगा इसमें, माइनस हो जाएगा। ये जो थोड़ा सा अलग है इसको मैं अलग लिख दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ये आपका प्लस होगा और आपका ये प्लस होगा, ठीक है। और तो इसलिए यहाँ भी देख लीजिए, ये भी आपका क्या हो जाएगा इसमें, टेन प्लस हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा आपका, टेन का छोटा भाई क्या आपका है, कॉट है, तो कॉट प्लस हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा, बाकी सब निगेटिव कर दीजिए। केवल पॉजिटिव के लिए बात है, ये सारा पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, साइन का छोटा भाई पॉजिटिव होगा, कॉसेक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसमें, टेन पॉजिटिव होगा तो टेन का छोटा भाई भी पॉजिटिव होगा, कॉट। यहाँ क्या हो जाएगा आपका इसमें, पहले मैं साइन देखिए पुट कर देना सारा, यहाँ क्या हो जाएगा आपका इसमें, ऑल शुड टेक, और यहाँ क्या था, कॉफ़ी, कॉफ़ी मतलब क्या, कॉस, सी से कॉस, यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपको इसको पॉजिटिव बना दीजिए, कॉस पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉस का छोटा भाई कौन सा होता है, सेक होता है, इनवर्स रिलेशन, छोटा भाई मतलब क्या, इनवर्स रिलेशन, बड़ा भाई का उल्टा ही होता है छोटा भाई, बड़ा भाई पढ़ने वाला होगा, छोटा भाई पढ़ने वाला नहीं होगा, ठीक, बात समझा। तो नॉर्मली यही देखा जाता है। और देखिए इधर, ये मैं यहाँ पर साइन थोड़ा सा अलग कर अलग कर दे रहा हूँ, जहाँ पर चेंजिंग आपको करनी है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा इसमें, देखिए 180 में कोई चेंजिंग नहीं, आसान सा है, बस आप लिख दीजिए, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉसेक का कॉसेक, और सेक का सेक, कॉट का कॉट, थीटा 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 थीटा, ठीक है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 90 वाले में चेंजिंग आपने कर लिया, किस में चेंजिंग करना था, 270 वाले में, ठीक है, 270 वाले को चेंजिंग करिए। साइन किस में चेंज होता है आपका, कॉस में, कॉस किस में चेंज हो जाए, कॉस किस में चेंज हो जाएगा आपका, साइन में। टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, तो कॉट किस में चेंज हो जाएगा, टेन में। कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में, तो सेक किस में चेंज हो जाएगा आपका, कॉसेक में। थीटा 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 एंड थीटा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए इसमें, यहाँ पे ये भी क्या 270 वाला, चेंजिंग करना है इसमें, ठीक। तो सीख लिया आपने क्या होता है, कैसे आपने बनाना सीखा इसको, 270 चेंजिंग करनी है इसमें, तो चेंजिंग करिए। साइन किस में चेंज होगा आपका, यहाँ एक मैंने पुट नहीं किया अभी साइन, ये तो प्लस हो गया, बाकी बचे आपका क्या हो जाएगा इसमें, माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, माइनस नहीं याद रखना आपको, आपको बस जो है ट्रिक बताई गई, ऑल शुड टेक कॉफ़ी, वो सारे पॉजिटिव के हैं, ऑल पॉजिटिव, यस फॉर साइन पॉजिटिव, साइन का छोटा भाई पॉजिटिव, टी फॉर टेन पॉजिटिव, टेन का छोटा भाई पॉजिटिव, एंड लास्ट इज ऑल शुड टेक कॉफ़ी, कॉस, कॉस पॉजिटिव और उसका छोटा भाई पॉजिटिव। क्या हो जाएगा इसमें, देखिए फिर से चेंजिंग करिए यहाँ पे, ये साइन किस में चेंज होगा आपका, कॉस में, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा आपका, साइन में, साइन कॉस हो गया, ठीक। टेन किस में चेंज होता है, कॉट में, कॉट किस में चेंज हो जाएगा तो आपका, टेन में। देखिए मैं लाइन से कर रहा हूँ, बीच में इधर नहीं, कोई डिस्टर्ब नहीं, लाइन से हमेशा किया करिए, ठीक। फिर देखिए कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक किस में हो जाएगा, सेक में, और सेक किस में हो जाएगा आपका, कॉसेक में। थीटा थीटा लगा दीजिए सब जगह, हो गया थीटा ऑल। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तो चेंजिंग करना ही नहीं आपको, बस छाप दीजिए डायरेक्ट, साइन पहले लगा दीजिएगा, लेकिन
देखिए क्या हो जाएगा इसमें यहाँ पे, ये तो साइन का तो साइन रहेगा, यहाँ चेंजिंग नहीं करनी क्योंकि, तो बस जैसा है वैसा उतार दीजिए। थीटा 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 हो गया, कोई दिक्कत सीखा आपने? तो देखिए अभी ये क्या है आपके, ये 6 2 2 4 2 6 2 8 6 8 14 फॉर्मले हुए, बाकी 6 फॉर्मले क्या है वो समझिए ध्यान से। यहाँ पे पहले इसको नोट करिए फिर मैं बता रहा हूँ बाकी फॉर्मले क्या है, नोट करिए। देखिए बच्चों जब आपको इसका यूज़ आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि आप ये सारा फॉर्मला लिखेंगे, ऐसा तो नहीं ना हो कि आप बैठ के सारा फॉर्मला लिखेंगे यहाँ पे ट्रिक से, तो कैसे यूज़ करेंगे उसको सीखिए। ट्रिक आपने जान लिया कैसे आपको पूरा पूरा फॉर्मला लिखना है, इसको यूज़ कैसे करना है उसको सीखिए, क्योंकि जब भी आपके पेपर में आएगा तो कोई एक ही तो इसमें से यूज़ होगा, कोई एक तो आपको निकालना है। देखिए कैसे बता रहा हूँ मैं, मान लीजिए आपके सामने ये आ रहा है ठीक है, सेक 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, पहले आप क्या चेक करेंगे कि चेंज करना है कि नहीं करना है, 90 है तो चेंज करना है, हो गया 90 है तो चेंज करना, इतना हो गया। आप फिर ये पहचान लीजिएगा कि किस क्वाड्रेंट में आ रहा है वो, ठीक है किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये किस में आ रहा है, इसमें 90, इसमें फर्स्ट वाले में आ रहा है। फर्स्ट में क्या होता है ऑल लाइन्स, वही देख लीजिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, साइन देखना है आपको और किस में आ रहा है चेंजिंग करना है कि नहीं करना है ये आपको देखना है, ध्यान दीजिए। तो ये फर्स्ट में आ रहा है तो नो चेंजिंग, ठीक है चेंजिंग कर रहा हूँ मतलब, फर्स्ट में आ रहा है तो सारे सारे क्या हो जाएंगे आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, ऑल पॉजिटिव था फर्स्ट में, तो 90 में चेंजिंग करना होता है। सेक किस में चेंज होता है, कॉसेक में, कॉसेक लिख दिया आपने, थीटा लगाना था थीटा लगा दिया, काम खत्म। सीखा आपने कैसे, इधर पे आइए मान लीजिए, मान लीजिए एक चलिए ये भी देख लीजिए, अगर मैं बात करूँ ये मान लीजिए आपके सामने आ रहा है ऐसा, कैसे देखेंगे आप यहाँ पे, ये कॉस है ठीक है, कॉस 360 प्लस थीटा लिखा हुआ है, पहले चेक लिए किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इस क्वाड्रेंट में आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ क्या था ऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव है, फिर देखिए चेंज करना है कि नहीं करना है, तो 360 है चेंज नहीं करना है, मतलब वही छाप दीजिए काम खत्म, डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इधर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है इसमें, पहले पॉइंट चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसकी बात करता हूँ मैं, 90 प्लस थीटा किस में आएगा, सेकंड में आएगा, हो गया वहाँ लिख लीजिए पहले इतना क्वाड्रेंट पहले पहचान लीजिए। अब बात आई साइन कौन सा चेंज होगा इसमें, साइन क्या चेंज होगा, तो मान लीजिए मैं 10 की बात कर रहा हूँ, 10 की अगर मैं बात करूँ तो क्या था इसमें आपका यहाँ पे, देखिए तो ट्रिक पे पहले आप जाएंगे साइन वाले, साइन का ट्रिक क्या था, ऑल शुड, शुड मतलब यस, यस से क्या था आपका साइन, साइन बस पॉजिटिव है और साइन का छोटा भाई क्या है कॉसेक, तो वो पॉजिटिव है, बाकी तब क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, तो इसका मतलब 10 क्या होगा आपका नेगेटिव होगा, हो गया। फिर क्या हो जाएगा इसमें, 90 वाला है तो चेंजिंग करना है, तो 10 को चेंज करेंगे क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप ऐसे बनाना ट्रिक का यूज़ करके जब आप प्रैक्टिस करेंगे कई बार तो डायरेक्ट बनाना आपको आ जाएगा, ठीक है नोट करिए इसको। नेक्स्ट देखिए बच्चों ये आपने देखिए लास्ट के 6 फॉर्मूले और क्या आपके हैं इसमें, तब ना 54 फॉर्मूले होगा टोटल, ठीक है ऐसा नहीं कि मैंने कम बताया आपको, देखिए जानते क्या है लास्ट क्या था, देखिए ये क्या है, जैसे आप जब और 11 12 में जाएंगे तो इसको आप ऐसे देखेंगे, ऐसे भी लिखा रहता है साइन माइनस थीटा, कभी कभी लिखा रहेगा ठीक है साइन माइनस थीटा, इसी तरह से क्या लिखा रहेगा कॉस माइनस थीटा, केवल माइनस थीटा लिखा रहेगा, इसी तरीके से और क्या लिखा रहेगा टेन माइनस थीटा, और क्या लिखा रहेगा कॉसेक माइनस थीटा, और क्या लिखा रहेगा सेक माइनस थीटा, और क्या लिखा रहेगा इसमें लास्ट कॉट माइनस थीटा, ये आपने देखा। तो क्या है ये समझिएगा ध्यान से, देखो जब भी माइनस थीटा रहेगा केवल माइनस थीटा, तो आप सीधे इसको समझ जाइएगा कि वो 360 माइनस थीटा है, क्या होता है वो जब भी ऐसा लिखा रहेगा तो इसका भी फॉर्मूला होता है अलग से, लेकिन इसका फॉर्मूला आप इसी से बना लेंगे, कैसे जब भी ऐसा लिखा रहेगा तो आप सीधे इसको क्या बोलेंगे 360 माइनस थीटा है, ये ठीक क्या देखिएगा 360 माइनस थीटा होता है, 360 माइनस थीटा आप जान ही रहे हैं उसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये बात समझा आपने। इसको इसके बाद आप डायरेक्ट क्या कर लेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर बताइए इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इसकी वैल्यू दिस, इसकी वैल्यू दिस और इसकी वैल्यू दिस, देखा आपने। तो लास्ट 6 फॉर्मूले आपके टोटल फॉर्मूले कितने हो गए, 54 फॉर्मूले हो गए आपके, हो गया तो समझा आपने क्या है, ये भी बात याद रखिएगा। तो कभी भी ऐसे केवल अगर लिखा रहे तो वो क्या होता है 360 माइनस थीटा, देखिए आपने नोट करिए, तो 54 फॉर्मूले आपके रेडी हो गए एक ट्रिक से। नमस्कार बच्चों, मास्टरमाइंड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, एंड सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए सब बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच सकें।